दोस्तों, तो आज हम लोग एक वेब सीरीज का रिएक्शन करने वाले हैं जो कि हॉट स्टार पर अभी 2 घंटे पहले ही आया था। तो मैंने सोचा कि आप लोग के पास ये वीडियो शेयर कर दूं, और बहुत ही ये वेब सीरीज बहुत ही दमदार होने वाला है। और बात करें तो इसका नाम है यक्षिणी। अरे कहना क्या भाई, ये वीडियो डरावनी और कॉमेडी होने वाली है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जिन्हें डर लगता है वो वीडियो को अभी ही बंद कर दें, और जिनको डर नहीं लगता है वो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, पहले हम इसका रिएक्शन कर लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। एक मानव के प्यार में पढ़कर तुमने यक्षिणी के धर्मों का उल्लंघन किया है। खूबसूरती की मूरत बनकर जब तुम ऐसे ही 100 पुरुषों को मारोगी, तभी तुम्हें अलकापुरी वापस आने की इजाजत दी जाएगी। अरे बाप, क्या एग्जामिनेशन दिया है इसे। 99 शिकार ढूंढने जितना आसान नहीं होगा। असंभव है ऐसा शुद्ध ब्रह्मचारी ढूंढना जिसकी आंखों में मौत का खौफ न हो। हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लो। अब इसे क्या हो गया? फंस गया। तुम 30 साल के हो गए हो और अब तक शादी नहीं की? तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मेरी शादी के भी लग जाएंगे। मैं शादी तभी करूंगा जब मुझे प्यार होगा। प्यार में क्या रखा है? अरे वो तो शादी होने के बाद भी हो जाता है। ये इतना शांत क्यों है, जैसे इसे कोई सांप सूंघ गया हो। तुम उस लड़की से प्यार भी करते हो क्या? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये प्यार मुझे मार डालेगा क्या? मुझे पता है तुम दोनों किस कर रहे थे। हाँ, किस ही किया है, किसके अलावा कुछ नहीं किया। हमें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। What? परेशान हो गया उस जिंदगी से। ऐसा क्या? 100वां पुरुष ढूंढना आसान नहीं, लेकिन तुमने कर दिखाया, इसे खोना मत। मेरी है, किसी और की नहीं। ओ माय गॉड, मतलब अलकापुरी पर राज करना। मेरा कर्तव्य है अलकापुरी की रक्षा करना, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो भस्म हो जाएगा। एक वक्त बाद हर किसी को अपनी बीवी चुड़ैली लगती है। कोई नहीं बात मानने वाला है भाई। तो भाई लोग, इसमें जो कहानी बताया गया है वो मुझे लगता है कि बहुत पुराने जमाने की कहानी है, और जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन विद्या और आधुनिक समय के रोमांस पर आधारित। ये सच्चे प्यार कोई चाह रखने वाला एक निराश व्यक्ति कृष्ण और एक प्राचीन अभिशाप के कारण पृथ्वी पर बंधी यक्षिणी माया की कहानी बताती है, जो 100 आदमियों को खत्म करके अपने वंश को बचाने की चाह रखती है। यानी कि उसे 100 आदमियों को मारने के लिए टारगेट किया जाता है, लेकिन लास्ट में जो एक टारगेट दिया जाता है, जो एक ही सुयोग्य लड़के की खोज करने के बाद उसे अगर मार दिया जाता है तो उसे अपने देश को लौटने दिया जाएगा। इसी के तलाश में जो वो लड़की रहती है, वो लड़के के पीछे भागती है, 100वां लड़के की, जो कि मिल जाता है। और आगे इसमें क्या होगा वो तो मुझे भी लगता है कि ये वेब सीरीज देखने के बाद भी पता लगेगा। तो भाई लोग, कैसा लगा ये वेब सीरीज का रिएक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।